हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्विक रिवीजन सीरीज। तो ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है क्विक रिवीजन सीरीज का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 एग्जीक्यूटिव इन वन शॉट। अगर आपको इसका डिटेल रिवीजन चाहिए तो प्लीज कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सो लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी होती है लोगों की जो नए लॉज, पॉलिसीज फ्रेम करती है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या फिर लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए। एग्जीक्यूटिव, जैसा कि आप इस नेम से ही समझ रहे हो, एग्जीक्यूटिव इसका मतलब है एग्जीक्यूट करना। जो लेजिस्लेचर ने पॉलिसीज और लॉज फ्रेम किए हैं उनको अच्छे से एनालाइज करना और उनको एग्जीक्यूट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। सो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंटरडिपेंडेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ये भी हम आगे देखने वाले हैं कैसे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंडेंट है और कैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। सो द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स अ बॉडी ऑफ पर्सन्स दैट लुक्स आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस। यानी कि कोई भी नए रूल्स और पॉलिसीज को रेगुलेट करना, इंप्लीमेंट करने का काम है, इंप्लीमेंटेशन का काम है या फिर एग्जीक्यूशन का काम है एग्जीक्यूटिव का। In case of Indian government, one body may take policy decisions and decide about rules and regulations while the other one would be charge of implementing those rules. अभी कैसे interdependent है ये हम देखेंगे। Legislature का काम है नए rules और policies को decide करना, नए rules और regulation को decide करना, जबकि दूसरे का काम है, executive का काम है उन laws और policies को implement करना। The organ of the government that primarily looks after the function of implementation and administration is called executive. जो इन laws और rules को execute करता है उस body को executive बोलते हैं। द लेजिस्लेचर फ्रेम्स द लॉज एंड एग्जीक्यूटिव इन्फोर्सेस देम टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेचर उन लॉज को फ्रेम करता है जबकि एग्जीक्यूटिव उनको एन्फोर्स करता है, उनको एग्जीक्यूट कर देता है ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में, जब हम कंट्री चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, तो उनमें वो रोल, वो जो लॉज हैं और वो जो पॉलिसीज हैं वो एन्फोर्स हो जाएँ, उसके लिए एग्जीक्यूटिव नेसेसरी होता है। इन प्रेजिडेंशियल सिस्टम, अब तीन सिस्टम होते हैं, पार्लियामेंट्री, प्रेजिडेंशियल एंड सेमी प्रेजिडेंशियल, ये भी हम देखेंगे। लेजिस्लेचर फ्रेम्स द लॉज एंड एग्जीक्यूटिव, ये हमने देख लिया। प्रेजिडेंशियल सिस्टम, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक है, द प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रेजिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव में प्रेजिडेंट जो है वो हेड होता है स्टेट का, यानी कि किसी भी कंट्री का हेड कौन होगा, या फिर गवर्नमेंट का और स्टेट दोनों का, कंट्री और गवर्नमेंट दोनों का हेड कौन होगा, प्रेजिडेंट होगा। प्रेजिडेंशियल सिस्टम में इस ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट इज़ वेरी पावरफुल, जो प्रेजिडेंट है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है थ्योरी और प्रैक्टिस, यानी कि मतलब रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम थ्योरी बोलेंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा पावर मेंशन है और प्रेजिडेंट एज वेल एज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली पावर जो है फील करता है एंड यूज़ करता है वी कैन से। कंट्रीज विद सच सिस्टम्स इंक्लूड USA, ब्राज़ील एंड मोस्ट नेशंस इन लेटिन अमेरिका। तो इसका एग्जाम्पल हो गया USA एंड ब्राज़ील एक्सेट्रा। सो बेसिकली मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, प्रेजिडेंशियल सिस्टम कौन सा होता है जिसमें प्रेजिडेंट हेड होता है स्टेट का भी और गवर्नमेंट का भी, और प्रेजिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत इफेक्टिव वे में वो अपनी पावर यूज़ कर सकता है, और एग्जांपल हो गए USA एंड ब्राज़ील। इन सच अ मैनर द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव एंड इन रिटर्न इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। इस तरह से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को। कैसे, लेजिस्लेचर फ्रेम करता है पॉलिसीज को जिसको फर्दर एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है। अगर लेजिस्लेचर कोई पॉलिसीज ही फ्रेम ना करे तो एग्जीक्यूटिव उन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की किसी भी पॉलिसीज को फर्दर इंप्लीमेंट ही ना करे तो वहीं पे लेजिस्लेचर का कोई रोल प्ले नहीं हो पाएगा। तो दैट्स वाई लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है एंड सिमिलरली एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को कंट्रोल करता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आर पार्लियामेंट्री, अब हमने कुछ एग्जीक्यूटिव्स देखे, पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेजिडेंशियल एंड प्रेजिडेंशियल, मोनार्कियल एंड सेरेमोनियल। तो अभी हमने प्रेजिडेंशियल देख लिया है। डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेजिडेंशियल, अब इनके अंदर क्या डिफरेंस हम वो देखेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेजिडेंट, जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। हमारे इंडिया में कौन है, वैसे तो गवर्नमेंट के हेड, गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल करते हैं, PM, एंड वैसे हेड, नॉमिनल हेड कौन होता है, प्रेजिडेंट। सबसे ज़्यादा सुप्रीम हम प्रेजिडेंट को मानते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पावर PM के पास मानी जाती है। सो प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवाइजेज द प्रेजिडेंट। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड मिनिस्टर्स होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर फर्दर प्रेजिडेंट को एडवाइस करता है या फिर काउंसिल ऑफ किसी भी मैटर के रिगार्डिंग एडवाइस कौन देते हैं, यही देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट को। पार्लियामेंट्री फॉर्म हैज मेनी मैकेनिज्म दैट इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल टू एंड कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर और पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म के पास बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, मतलब ऐसे एग्जीक्यूटिव आ जाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म में कि वो सभी लोग आंसरेबल होते हैं जिन्होंने उनको इलेक्ट करा, ठीक है, एंड कंट्रोल बाय लेजिस्लेचर और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। अब एग्जीक्यूटिव फर्दर क्यों इंप्लीमेंट कर रही है,
लॉज और पॉलिसीज़ को, तो उस चीज़ के लिए उसको आंसरेबल होना पड़ता है, और एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर भी कंट्रोल करती है, ठीक है, या फिर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से ही तो लेजिस्लेचर बनता है, तो वही एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल भी करती है, और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल या आंसरेबल भी होती है लेजिस्लेचर को। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर द गवर्नमेंट फॉर बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों के लिए ही हमारी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अडॉप्ट करा है, क्योंकि वो लोगों को आंसरेबल होती है, और इसीलिए वो अच्छे से बिल्कुल न्यू पॉलिसीज लेके आती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, ताकि वो अकाउंटेबल और आंसरेबल हो पाए। द प्रेजिडेंट एन्जॉयज राइट टू बी इन्फॉर्म फॉर ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स। अब प्रेजिडेंट को एक राइट भी मिलता है कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में प्रेजिडेंट को इन्फॉर्म करना मस्ट है, ठीक है। एंड फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे फंक्शन कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में भी प्रेजिडेंट को बताया जाएगा। तो ये प्रेजिडेंट का राइट होता है कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर आ गया कंट्री में तो उसके बारे में प्रेजिडेंट को नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि वट इज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री। प्रेजिडेंट हैज़ वीटो पावर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्रेजिडेंट के पास वीटो पावर भी होती है, जिसकी मदद से, इस वीटो पावर क्या होता है, कोई भी अगर नया बिल पास हुआ है तो उसको वो विदहोल्ड कर सकते हैं या मना कर सकते हैं अपना असेंट देने से। जैसे कि पार्लियामेंट से कोई भी नया बिल पास आया, बिल कौन सा है यहाँ पर, कोई भी नए लॉज पॉलिसीज़ आए तो उनका बिल होता है, तो प्रेजिडेंट उनको अपने पास रख सकते हैं, विदहोल्ड करके रख सकते हैं या फिर मना कर सकते हैं उनको फर्दर पास करने से, अगर उनमें कोई भी कमी दिखी प्रेजिडेंट को, तो ये वीटो पावर होती है कि वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं या फिर कितने भी टाइम तक, कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कितने भी टाइम तक अपने पास इस बिल को पेंडिंग रख सकते हैं। हर एक बिल जो पास होता है पार्लियामेंट में वो प्रेजिडेंट के पास ज़रूर जाता है उनके असेंट लेने के लिए, इससे पहले कि वो कोई लॉ बन जाए। तो इसी पावर को कि वो अपने पास उस बिल को पेंडिंग रख सकते हैं या फिर मना कर सकते हैं उसको अपना असेंट देने से, दैट इज़ नोन एज वीटो पावर ऑफ द प्रेजिडेंट, और ये बहुत इफेक्टिव वे में यूज़ की जाती है। अब वाइस प्रेजिडेंट की बात आ गई है। वाइस प्रेजिडेंट कौन बनते हैं, जो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वही वाइस प्रेजिडेंट बनते हैं, और वो प्रेजिडेंट की तरह एक्ट करते हैं जब प्रेजिडेंट की सीट जो है वो खाली होती है, इन केस ऑफ डेथ भी हो सकता है, या फिर कई बार प्रेजिडेंट की सीट जो है वो उनसे ले ली जाती है, उस टाइम पे भी वाइस प्रेजिडेंट एज अ प्रेजिडेंट एक्ट करते हैं। अब द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्या होता है, बेसिकली लोकसभा। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो स्पेशलाइज्ड मिनिस्टर्स हैं जिन्हें पीएम अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पीएम अपॉइंट करते हैं, तो ये अकाउंटेबल होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को। अगर लोकसभा में कोई भी क्वेश्चन रेज हुआ तो उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आंसरेबल होती है कलेक्टिवली, सभी उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ लोकसभा के 15% लोग ही बन सकते हैं, 15% मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा ओनली कैन बिकम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इससे ज़्यादा जो है ये लिमिट एक्सीड नहीं हो सकता। अब मैंने आपको बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, अगर उसको उस पर्टिकुलर मैटर पे कोई एतराज़ है, वो मान नहीं रहा है कि हाँ दिस इज़ राइट, देन वो जो है लोकसभा में अगर ऐसा होता है तो उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को, यानी कि सभी को एक पर्टिकुलर मैटर पे हामी देनी होगी या फिर हाँ बोलना होगा। द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। अब प्रेजिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, कब, किस सिचुएशन में, हु इज़ द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, जो कि पीएम कौन बनता है, बेसिकली जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है लोकसभा में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स एक लिंक होता है, कब होता है, देखो कई बार मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, दोनों पार्टी क्लेम करती है, सपोज एक पार्टी है पार्टी ए एंड एक पार्टी है बी, दोनों ही क्लेम कर रही है कि हमारी मेजॉरिटी है, तो उस टाइम पे प्रेजिडेंट अब किसी भी एक पार्टी का साथ दे सकता है, सपोज पार्टी बी जो उनको क्लियर मेजॉरिटी दिखती है और उनको मेजॉरिटी बना सकता है, और उसी पार्टी के एक पर्सन को प्राइम मिनिस्टर जो है बनाया जाएगा। तो इस केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है एक लिंक होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में, एज वेल एज पार्लियामेंट में। कैसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एंड प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेके पीएम जो है वो प्रेसिडेंट से के साथ जो है वो अच्छे से पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो एक लिंक की तरह एक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव दस इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आते हैं, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी क्या है, ये है ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो लोग जो है इलेक्ट नहीं किए जाते उन लोगों को ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स को कोई इलेक्ट नहीं करता है वोट देके, बल्कि वो एग्जाम्स देते हैं और उनको क्लियर करने के बाद उसी बेसिस पे उन्हें जो है जॉब मिलती है, उनको पोजीशन पोस्ट मिलती है।
सो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। अब ये ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर्स के डिसीजंस को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, कि मिनिस्टर्स ने क्या डिसीजंस लिए हैं, उन्हें फर्दर इंप्लीमेंटेशन का काम ब्यूरोक्रेट्स का होता है। ब्यूरोक्रेट्स स्किल्ड होते हैं, ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ की तरह गवर्नमेंट में काम करते हैं। ये गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो लोग इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड जो बॉडी होती है, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है लेकिन ये एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। जबकि ब्यूरोक्रेट्स सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो भी एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेकिन वो सिविल सर्वेंट्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब हुआ कि वो एग्जाम देके आए हैं, वो परफेक्टली ट्रेंड पीपल हैं जो कि पॉलिसीज़ को फर्दर इंप्लीमेंट करेंगे और रेगुलेट करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर में तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोज़ के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्विक एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।